जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर अफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फाइवर का जो है ना बहुत मुश्किल जो आप लोगों को लगता है टेस्ट, इंशाल्लाह आज हम वो पास करेंगे। फाइवर को टेस्ट पास करने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इंशाल्लाह वो भी हम जो है ना आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने फाइवर का टेस्ट कैसे पास करता हूँ वीडियो में दिखाएंगे, किस तरह मैं सर्च करता हूँ, किस तरह मैं इसको गिवन टाइम में कम्प्लीट करता हूँ, ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में देखेंगे और लाइव हम दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में कि किस तरह फाइवर का टेस्ट पास होता है। ठीक है जी, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे हम देखते हैं फाइवर का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले शेयर कर देता हूँ। 40 मिनट्स का ये टेस्ट होता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, एक मिनट में एक क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा आपने जब टेस्ट ओपन कर लेना तो वो जो इंटरफेस है होम पेज उसको बैक नहीं करना, कोई भी न्यू ब्राउज़र जो है ना वो नहीं खोलना। सिंपल आपने जिस तरह खुल गया वो आपने खुल ही रखना है। इसके अलावा आप पॉसिबल है तो आप अपने साथ कोई अपी भाई महन उस्ताद कोई अच्छा जिसकी इंग्लिश अच्छी उसको भी डालें अगर आपको नहीं आती। इसके अलावा आप अपना सेल फोन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। टाइम का आपने बहुत ख़ास क्या रखना है, गिवन टाइम में ही जो है ना आपने जो टेस्ट पास करना है। आप लोगों के सामने मैं 8-10 MCQs जो हैं वो इंशाल्लाह मैं कैसे सर्च करता हूँ, कैसे उनको जो है ना मैं टिक करता हूँ, इसके अलावा कैसे टेस्ट जो है ना क्लोज़ हुआ, कैसे हमने उसको स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको लाइव टेस्ट दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन जो है ना ओपन हो गई है। हमने यहाँ तक पब्लिश पे जाके रोक दिया था टेक अ टेस्ट। हम टेस्ट पर इंशाल्लाह क्लिक करते हैं तो टेस्ट आ गया, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम पहले सिलेबस की बात कर लें हैं, कंजक्शंस हैं, प्रोनाउन हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब हैं, वर्ब हैं, टेंसेस हैं, कंडीशनल्स हैं, वोकेबलरी है, क्वेश्चंस हैं, पंक्चुएशंस हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर टेस्ट है बेसिकली। ये जो है ना बेसिक टेस्ट है, बिल्कुल माइनर है। इसके लिए आपने वही इमरान खान वाली बात है, घबराना नहीं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, यानी कि सिंपल टेस्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड एक्टिव होकर बैठे और आप कम पे ना कि जनाब टाइम गुजर रहा है और किधर कहाँ से देखें ऐसे हो गया वो हो गया, रोला डालने की बजाय आप आराम से सुकून से बैठे खुद पास कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है। नीचे चलते हैं, आगे ड्यूरेशन उन्होंने 40 मिनट्स लिखा है, 40 क्वेश्चन है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि हमने जो दिया हुआ है, अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, इन केस अल्लाह ना करे हो जाए, अगर हो जाता है तो आप इसी अकाउंट पे न्यू गिग बनाते हैं, जब उसको पब्लिश करने का टाइम आता है फिर न्यू टेस्ट आ जाता है। तो आप आराम से एक बार फेल हुआ दूसरी बार दे दें, फिर फेल हो गया अल्लाह ना करे तो फिर तीसरी मरतबा तीसरी गिग बनाएं, बल्कि सेम ही बना लें कि तब भी कोई इशू नहीं है, और पब्लिश पर जब आप जाएंगे तब आप टेक टेस्ट दोबारा इसको टेस्ट को दे सकते हैं। तो बहाने मेरा ख्याल ख़त्म करते हैं, हम टेस्ट जो है ना स्टार्ट करते हैं। और साथ मैंने एक मोबाइल फ़ोन जो है ना अपने हाथ में रखा हुआ है, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने सर्च करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर मैं सर्च कैसे कर दूँ, राइट। तो टेक टेस्ट स्टार्ट कर दिया जी, और देखिए मैंने जो है ना आप लोगों के सामने। तो जी दोस्तों, आपने मोबाइल ऐसे ओपन कर लेना, पहला क्वेश्चन जो आ गया है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो कह रहे हैं रबीका फॉरगेव जेसन, आगे जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, नॉट कॉन्टेक्टिंग हर फॉर 6 मंथ। अब अगर थोड़ी सी हम देखें, हम ये सारा पेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है, हम देखते हैं रबीका फॉरगेव जेसन नॉट कॉन्टेक्टिंग, यहाँ पे भी आपको सामने जो है ना नज़र आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन जो है ना सी आंसर यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा है रबीका फॉरगेव जेसन नॉट कॉन्टेक्टिंग हर। देखें इसमें सी आंसर पे आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये आंसर फॉर, तो आप फॉर पे क्लिक कर दें। मेरे ख्याल इससे बढ़ के किसी ने कोई बात नहीं बतानी आपको, आपको इससे बढ़ के मेरे ख्याल कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने हत्ता कि अपना मोबाइल ओपन करके दिखा दिया कि किस तरह है इसका जो आता है फॉर आता है, रबीका फॉरगेव जेसन फॉर कॉन्टेक्टिंग हर 6 मंथ, ठीक है जी, ये हमने जो है ना क्लिक कर देना है। ठीक है, हम बैक जाएंगे, दोबारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आई गेव, ठीक है जी, ए आई गेव अ हार्ड टाइम
अबाउट दियर होमवर्क, ठीक है जी। ये देम आता है, इट्स आता है, दियर आता है, अस आता है। तो पहले ही इंशाल्लाह इसमें हमें आंसर मिल जाएगा। आई गेव डैश अ हार्ड टाइम अबाउट नॉट कम्प्लीटिंग दियर हार्ड वर्क। तो यार आप सी आंसर पे क्लिक करेंगे तो ये देम आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वैसे ही आपको पता चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, आप दोबारा जो है ना गूगल ओपन कर लें। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आ गया, द रेन डिड नॉट लुक लाइक इट वुड स्टॉप एनी टाइम सून डैश, ठीक है। हम ये पूरा का पूरा पेस्ट करते हैं, द रेन डिड नॉट लुक लाइक इट वुड स्टॉप एनी टाइम सून। सून के बाद हम लगा देते हैं एक कॉमा, फिर वही डिसाइडेड टू कैंसल द ट्रिप ऑन द बीच। आप अगर देखे जाएं, द रेन डिड नॉट लुक लाइक इट वुड स्टॉप एनी टाइम सून डैश वी डिसाइडेड, सो वी डिसाइडेड, सो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई जो है ना मुश्किल बात नहीं है। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। आप लोगों के सामने नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों के सामने ना 5-7 क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी फिर मैं हम जल्दी जल्दी कर देंगे। दी कमेटी, ठीक है जी, दी कमेटी इज इंटरेस्टिंग योर थॉट्स। लगता है गूगल में बहुत बार ये पेस्ट हुआ हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा टू हियर, फॉर हियर, इन हियर, ऑन हियर। पहले आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लें, द कमेटी इज इंटरेस्टिंग टू हियरिंग थॉट्स, फॉर हियरिंग, इन हियरिंग, ऑन हियरिंग। इंटरेस्टेड जो है ना, द कमेटी इज इंटरेस्टिंग इन योर थॉट, इन योर थॉट्स। और आप लोगों के सामने कितने सवाल हो गए हैं, 4। एक सवाल हम और कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखें, ये मुश्किल सवाल आ गया आप लोगों के लिए, आप कह रहे हैं ये मुश्किल है। तो ये देखिए, ये आ गया डैश इज द, ठीक है जी, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली आगे आ जाता है, नॉट ओनली इज द स्वेटर, बट ये सेकेंड आ गया, आपको सामने ही नजर आ जाएगा कि नीचे सवाल का जवाब आ गया। देखें लिखा हुआ ना, मैं इधर आपको जो है ना कॉपी पेस्टिंग दिखा देता हूँ। आंसर क्या है, नॉट ओनली आगे आ गया, उन्होंने कहा यहाँ तक जो है ना जुमला कंप्लीट हुआ, फैशनेबल तक आगे आ गया, बट इट्स, बट लगाना है, तो मेरे ख्याल ये सेकेंड जवाब आ गया। गूगल में ही सारे जवाब हैं, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो जी दोस्तों, मैंने आपको आई थिंक 5-7 क्वेश्चन जो है ना मैंने करके दिखा दिए, तो टाइम शॉर्ट है, मैं ये जल्दी जल्दी जो है ना टेस्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। जब टेस्ट जो है ना पूरा हो जाएगा 40 क्वेश्चन के करीब, तब आप देखिएगा। तो आप लैपटॉप की जो है ना स्क्रीन पर रहिए।
तो जी दोस्तों, आपने देखा है माशाल्लाह से टाइम जो है अभी तक काफ़ी सारा टाइम हाफ पड़ा था, मैंने पहले ही लगा ली है। आप लोगों ने वो भी देख लिए होंगे स्क्रीन में किस किस तरह। एक्चुअली ऐसे है ना कि मैंने तकरीबन बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हैं, तो हमें तकरीबन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो अब पता चल गया वैसे ही आंसर क्या आते हैं। ये नहीं कि ये सेम है, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम बार बार चीज़ को करते हैं तो आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब हम एंड करते हैं टेस्ट को, देखिएगा आर यू श्योर यस, तो अल्लाह खैर करे। 8.2 माशाल्लाह से टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो देखा कितना आसान है, ऐवें आप डर रहे हो। ये कंटिन्यू विदाउट फीडबैक और कंटिन्यू विद प्रोवाइडेड फीडबैक, तो कंटिन्यू विदाउट फीडबैक कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट है जी। चलें जी हम आगे चलते हैं जी, बैक टू दी फाइबर क्रोम। चलें जी, डू नॉट क्लोज, राइट। चलें जी, अब हमारी किक जो है वो पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह से, देखते हैं। मेरा ख्याल है एक एक चीज़ जो है ना हमने करवा दी है। लो जी किक पब्लिश होने लगी है जी, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, और डन हो गया। देखिए एक्टिव किक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको सारे का सारा अकाउंट बना के दिखा दिया। ये देखिए कि एक्टिव से हमारी, इसको हम करते हैं रिफ्रेश, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है गिग वो क्या होगी, एक्टिव में आ गई है। इस तरह जो है ना हमने फाइवर अकाउंट बनाना है, इस तरह से हमने जो है ना फाइवर का टेस्ट पास करना है। तो मेरा ख्याल है शायद बताया हो किसी ने, शायद ना बताया हो, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे लेकिन मोस्टली देखे हैं, कोई जो है ना इतनी गहराई में नहीं बताते, डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं जो हमें आता है। बाकी इसके अलावा अब रह गई टिप्स एंड ट्रिक्स, इंशाल्लाह हम वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कस्टम ऑफर भेजना सिखाऊंगा, ऑर्डर्स लेना सिखाऊंगा, इसके अलावा दिखाऊंगा किस तरह क्लाइंट से बात करते हैं, इसके अलावा आपको जो है ना क्लाइंट के साथ जो है ना आपने डील कैसे करनी है वो, इसके अलावा पेमेंट कैसे निकालनी है वो, इसके अलावा और छोटी छोटी काफ़ी सारी टिप्स हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करते हैं। मेरा ख्याल है अब मुझे इजाज़त है, क्योंकि फाइवर बनाने तक, टेस्ट पास करने तक, गिग तक, इमेजेस तक, हर एक चीज़ वेल एंड गुड हो गई है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।